नमस्कार, मैं अंजलि रावत स्टोरी हाउ में आपका स्वागत करती हूँ। दुनिया में कुछ देशों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो वहीं कुछ देशों की जनसंख्या तेजी से घट भी रही है। ऐसे में दोनों तरह के देश अपनी अपनी समस्याओं से निपटने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक देश दक्षिण कोरिया है जहाँ की जनसंख्या तेजी से घट रही है। यही वजह है कि यहाँ लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं कंपनियां अपने कर्मचारियों को तरह तरह की सुविधाएं देती है ताकि उनकी ज़िंदगी और भी आसान हो सके। लेकिन एक कंपनी ऐसी भी है जो अपने कर्मचारियों को बच्चे पैदा करने पर पैसे भी दे रही है। कंपनी ने अपने ऐसा करने के पीछे की वजह बताई। इस कंपनी का नाम बुयोंग ग्रुप है। ये दक्षिण कोरिया की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बच्चा पैदा करने पर इंसेंटिव देने की घोषणा की है। वहीं कंपनी का कहना है कि इसके साथ साथ वो कर्मचारियों को और भी तरह की सुविधाएं देगी। इस धन संबंधी मदद से कर्मचारियों को बच्चा पालने के लिए आने वाले खर्च में मदद मिलेगी और इसके साथ वो बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। देश के भविष्य को लेकर होने वाली चिंता को भी ये तरीका मदद पहुंचाएगा। दक्षिण कोरिया इस समय दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर की समस्याओं से जूझ रहा है। साल 2022 की रिपोर्ट देखें तो यहाँ प्रजनन दर में काफ़ी गिरावट आई है। वहीं कोरिया में पूर्व अनुमानों के अनुसार साल 2025 में यह अनुपात और भी ज़्यादा गिर सकता है। ऐसे में देश के सामने ये एक बड़ी समस्या है। कंपनी का कहना है कि उसका लक्ष्य घटती प्रजनन दर को उलटना और देश के लिए सार्थक योगदान देना है और ये सुविधा महिलाओं और पुरुष दोनों की तरह की कर्मचारियों के लिए है। कंपनी का ये भी कहना है कि पर्याप्त आर्थिक गिफ्ट्स के अलावा 3 बच्चे वाले कर्मचारियों को एक और अनोखा विकल्प दिया जा रहा है। ऐसे कर्मचारी या तो 30 करोड़ कोरियाई योन यानी लगभग 1 करोड़ रुपए ले सकते हैं या फिर किराए पर आवास की सुरक्षा ले सकते हैं। किराए के घर वाला विकल्प सरकार द्वारा दी गई जमीन पर निर्भर है। आपको बता दें कि ये कंपनी पहले भी ऐसा कर चुकी है। दरअसल साल 1983 में स्थापित बुयोंग ग्रुप ने अब तक 2,70,000 से अधिक घरों का निर्माण किया है और अब दक्षिण कोरिया की डेमोग्राफिक चैलेंज का समाधान करने में मुख्य भूमिका निभा रही है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्टोरी हाउ।